अमूमन जितने समय में कोई इंसान उबासी नहीं ले पाता है उससे कम समय में ये गाड़ी 0 to 100 टच कर लेती है लगभग 3.5 सेकेंड्स में। 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन इसमें दिया गया है जो पावर जनरेट करता है अराउंड 671 BHP एंड टॉर्क जनरेट करता है 800 न्यूटन मीटर्स का। यस यू हर्ड इट राइट। और इन पावर फिगर्स के अलावा भी बहुत सी तब्दीलियां इस सुपर कार में करी गई हैं, तो क्या है वो सारी डिटेल्स, क्या है वो सारे चेंजेस, बात करेंगे उन सभी के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और बात करेंगे इस वीडियो में एस्टन मार्टिन की नई DB12 की। तो जिन आंकड़ों की मैं शुरुआत में बात कर रहा था वो इस 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन से निकलते हुए दिखाई देंगे। सेंट्रली माउंटेड इंजन है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको इसका ये इंजन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो है बोनेट, लार्ज बोनेट, एंड यहाँ पे आपको जो हॉट एयर है उसके निकलने के लिए वेंट्स यहाँ पे इसके हुड पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रंट में जो है एस्टन मार्टिन का बड़ा सा लोगो है, और चेंज जो यहाँ पे आपको दिखेगा मेजर चेंज है वो है इसकी ग्रिल को लेके। पहले से काफ़ी बड़ा इसका ग्रिल देखने को मिल रहा है। DB11 की बात करें एंड यहाँ पे अराउंड 56% एक्स्ट्रा एयर इनटेक, या कहें कि कूलिंग के लिए अराउंड 56% एक्स्ट्रा एयर यहाँ से निकलने का इंतजाम इस बड़ी ग्रिल के थ्रू करा गया है। अब एस्टन मार्टिन जो इस गाड़ी को बुला रही है, ना इसको वो ग्रैंड टूरर कह रही है, ना इसको वो सुपर कार कह रही है, बल्कि इसको एस्टन मार्टिन एक सुपर टूरर कह रही है। यानी कि आप इसको कम्यूट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डेली चलाना है, एंड आप इसको एक सुपर कार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि टूरर प्लस सुपर कार वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर एस्टन मार्टिन इस DB12 को बुला रही है। एंड फ्रंट में देखेंगे आपको ADAS वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर दिए गए हैं। एंड हेडलैम्प्स देखेंगे, फुल LED दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, DRL वगैरह यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। एस्टन मार्टिन की ब्रांडिंग या हेडलैम्प्स के अंदर भी इसमें देखने को मिल जाती है। साइड में आए यहाँ पर जो चेंजेस फ्रंट में जो थोड़ा बताना मैं भूल गया, वहाँ पर विड्थ को लेकर थोड़े चेंजेस हुए हैं, थोड़ी सी विड्थ पहले से एक्स्ट्रा DB11 के मुकाबले, एंड जो रियर एंड है वो भी थोड़ा वाइडर पहले के मुकाबले देखने को मिलेगा। टायर्स की बात करूँ तो मिशलिन के पायलट स्पोर्ट S5 टायर का इस्तेमाल इस पर करा गया है जो कि 21 इंचेस के हैं। 275 सेक्शन के टायर्स पे देखने को मिलते हैं। एलॉय व्हील्स में भी अलग अलग डिज़ाइन के ऑप्शन हैं। सेंटर में एस्टन मार्टिन का हब है, एंड ब्रेक कैलिपर्स पे भी यहाँ पे आपको एस्टन मार्टिन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ब्रेक कैलिपर्स जो है वहाँ पर आपके पास सिरेमिक का ऑप्शन भी रहने वाला है जो स्टैंडर्ड है। उसके अलावा एक सिरेमिक का ऑप्शन भी अगर आपको अपग्रेड करना है तो वो भी एस्टन मार्टिन इसमें अवेलेबल करा रही है। यहाँ पर साइड में पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, इट्स एस्टन मार्टिन की ब्रांडिंग है। और रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। एस्टन मार्टिन की बड़ी सी ब्रांडिंग लोगों के साथ यहाँ दी गई है, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक प्लस बॉडी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड पीछे से भी स्टांस ऑफकोर्स वो स्पोर्ट्स कार वाला यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। ट्विन एग्जॉस्ट देख सकते हैं, इसका साउंड जो है बहुत ही मज़ेदार या बहुत ही स्पेशल आपको सुनाएंगे आगे वीडियो में। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा सेंसर्स वगैरह भी आप पीछे इसके देख सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा यानी 3CD कैमरा भी इसमें दिया गया है, तो वो भी एक फीचर यहाँ पर इस DB12 एस्टन मार्टिन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स कार में कमी जो बहुत से लोगों को खलती है या जो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है वो है बूट स्पेस। बट एस्टन मार्टिन ने यहाँ पर 260 लीटर के आसपास का बूट स्पेस भी इस DB12 में यहाँ पर इसमें दिया है। सो ये कुछ यहाँ पर आपको इस एस्टन मार्टिन के एक्सटीरियर या जो चेंजेस करे गए हैं एक्सटीरियर के तौर पर इसमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो मेजर चेंजेस हैं, ज़्यादा बदलाव जो करे हैं वो अंदर इंटीरियर में करे हैं। सो क्या है वो उनको भी देखते हैं। अब इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको थ्रू आउट लेदर फिनिश यहाँ पर डैशबोर्ड पे एंड ओवरऑल डोर्स में भी लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगा। सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है। इसके अलावा जो चेंजेस हुए हैं, जो मेजर चेंजेस हुए हैं, सेंटर में जो कंसोल है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन अब इसमें दिया जा रहा है, 10 इंच टच स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो भी अब 10 इंच का स्क्रीन यहाँ पर आपको फुल डिजिटल देखने को इस DB12 में मिलने वाला है। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप के साइज में ही जो ये डायल आप देख रहे हैं, एंड इसी डायल के थ्रू आप इसके मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। 5 मोड इसमें दिए गए हैं, वेट, इंडिविजुअल, GT, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस। एंड इसके अलावा यहाँ टेम्परेचर सेटिंग्स के लिए आपको नॉब्स देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर राइट साइड में जो है आपको वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिए गए हैं। सीट वेंटिलेटर्स हैं तो यहाँ पर आपको उनके ऑप्शन दिए गए हैं, हीटेड और कूल्ड दोनों वेंटिलेटर सीट्स का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ सस्पेंशन सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड 3CD कैमरा जो उसमें दिया गया है, कुछ इस तरह से यहाँ पे उसका व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। इवन इन द 3CD कैमरा दिस कार लुक्स
ऑसम। सो ये कुछ मामला यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें दिया गया है इसके इस 360 डिग्री कैमरा को लेकर। इसके अलावा वापस होम पर जाते हैं तो यहाँ पे जो ड्राइवर असिस्टेंस के फीचर्स दिए गए हैं जो कि ADAS वाले फीचर्स हैं, यहाँ पे आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसमें जो है आपको लेन कीप असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट एंड ऑल्सो ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, ये सब फीचर्स दिए गए हैं। ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग का भी ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर इसको भी डिसेबल करा गया है। एंड आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इंडिया में काम ढंग से करता नहीं है क्योंकि अचानक से यहाँ पर कोई भी कभी सामने आता है। तो दिस फीचर आई बिलीव इज़ नॉट फॉर इंडियन रोड, सो यहाँ पर डिसेबल है। बट इसके अलावा एक जो चीज़ थोड़ी सी मुझे अटपटी लगी या जहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, जो इसके सीट्स के कूलिंग और हीटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जब मैं स्क्रीन को ऑपरेट करता हूँ तो कभी कभार वहाँ पर हार्ड टच हो जाता है और हार्ड टच होता है तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो ये मुझे लगता है एक चीज़ है जहाँ पर थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। थोड़ी सी प्लेसमेंट में भी हालांकि यहाँ पर ड्राइवर के हिसाब से सही जगह दी गई है लेकिन यहाँ पर स्क्रीन ऑपरेट कर रहे हैं तो कभी कभार उसके दबने की ज़रूर गुंजाइश रहने वाली है। इसके अलावा जो है यहाँ पर स्टीयरिंग पर आएँ तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया गया है। पेडल शिफ्टर्स जो है उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज करी गई है। 8 स्पीड का टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स में देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड लेन असिस्ट वगैरह के फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड में जो है इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ ही इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के बटन यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। टच पैनल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ यहाँ पर रोटरी डायल्स भी हैं एंड इसके अलावा कुछ टच बटन भी इधर स्टीयरिंग में इसके दिए गए हैं। बट ओवरऑल जो फील है, सीट्स की बात करें तो यहाँ पर लेदर सीट्स, जिस तरह की फिनिश इसमें दी गई है, सीट्स का भी ऑप्शन है, एक आपको कार्बन फाइबर पैकेज का ऑप्शन रहने वाला है, एक स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन रहने वाला है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सीट्स ये देखने को मिल रही हैं जो कि फिनिश के मामले में वाकई में बेहद परफेक्ट लग रही हैं। एस्टन मार्टिन ब्रांडिंग यहाँ पर सीट्स में देखने को मिल जाती है। एंड चेंजेस यहाँ पे और भी हुए हैं, सेंटर में आपको दो कप होल्डर दिए गए हैं एंड जो इसका ये आर्मरेस्ट है, अब इसी के नीचे यहाँ पे आपको दो USB-C चार्जिंग पोर्ट्स, 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। अब एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी वो है इसके AC विंड्स की डायरेक्शन को लेकर। अगर मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ, क्योंकि मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पर अगर इसको मैं अपनी डायरेक्शन की तरफ करता हूँ तो इसकी हवा जो है ज़्यादा वो शोल्डर्स की तरफ जा रही है बजाय मेरे फेस की तरफ आने के। तो प्लेसमेंट को लेकर भी विंड्स की मुझे लगता है थोड़ी सी और गुंजाइश है सुधार की इस जगह भी। एंड सीट्स को जो ऑपरेट या एडजस्ट करने के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फ्रंट सीट्स जो हैं, हालांकि 4 सीटर वाला वर्जन है लेकिन यहाँ पर आप फ्रंट सीट्स को ये बटन्स देख रहे हैं दोनों साइड दिए गए हैं, आप सेंटर पैनल में ही इसके साइड में दिए गए हैं, डोर्स में नहीं दिए गए, अमूमन वहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से सीट्स को एडजस्ट करने के बटन्स आपको कंट्रोल यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। एंड इसको जो है आप यहाँ पे बूट ओपन करने का राइट साइड में आपको बटन मिल जाएगा। एंड ये जो एस्टन मार्टिन है, पहली एस्टन मार्टिन है जहाँ पर पावर्स एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम इसमें यूज़ करा गया है, उसका साउंड भी वाकई में बहुत ही ऑसम है। तो ये कुछ मामला है, पिछली कतार हालांकि है लेकिन मुझे लगता है 10 साल या उससे नीचे के बच्चे पीछे बैठ पाएंगे तो एडल्ट्स के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। बट ओवरऑल आपके पास 4 सीटर वाला ऑप्शन यहाँ पे इस DB12 में दिया गया है। अब जो इंजन इसमें दिया गया है, 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन, आंकड़े देखने में ऑफकोर्स उसके इम्प्रेसिव हैं लेकिन सड़क पर चलने के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस ये एस्टन मार्टिन की DB12 देने वाली है, कितनी स्पेशल ये लगती है उस समय चलाने के बाद, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दैट। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो एस्टन मार्टिन की ये DB12 वाकई में एक पावर हाउस है। 4 लीटर का V8 ट्विन टर्बो इंजन इसमें दिया गया है जो अराउंड 671 BHP और 800 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और जिस समय मैंने इसको चलाना शुरू किया उसी समय मुझे क्लियर हो गया था कि ये जो नंबर है झूठ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में थोड़ा टर्बो लैग देखने को मिलता है बट इनिशियली उस लैग के बाद 4000 RPM के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहां पर इस गाड़ी का ट्रू परफॉर्मेंस निकलता हुआ दिखाई देता है। उस मामले में परफॉर्मेंस में वाकई ये गाड़ी तेज तर्रार फील होती है और ये गाड़ी वाकई में वो दमखम रखती है कि इसको चलाने के बाद आपके चेहरे पर वो मुस्कान भी जरूर आएगी। एस्टन मार्टिन इस कार को एक सुपर टूरर की तरह मार्केट कर रहा है, यानी कि आपको ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से, आपको सिटी के साथ साथ आपको ट्रैक वाला कॉम्बिनेशन भी इस एस्टन मार्टिन की DB12 में देखने को मिलेगा। एंड वाकई में सिटी के हिसाब से भी गाड़ी एकदम अच्छे से चलती है। आपको स्लो स्पीड पे चलाना है, ट्रैफिक में चला रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई चलाने में से दिक्कत नहीं हुई मुझे। और इसके साथ साथ अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए इस गाड़ी से तो वो भी ये गाड़ी डिलीवर करने को तैयार रहती है। अब ब्रेकिंग की बात करें, जो स्टैंडर्ड स्टील ब्रेक्स इसमें दी गई हैं, अब इस तेज तर्रार
गाड़ी को रोकने के लिए अच्छी स्टॉपिंग पावर चाहिए, अच्छी ब्रेकिंग बाइट चाहिए, तो वो भी एस्टन मार्टिन की इस DB12 में देखने को मिलती है। हालांकि इसमें आपको सेरामिक ब्रेक्स का एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन एस्टनेट जो स्टील ब्रेक्स इसमें दी गई हैं वो भी परफेक्टली काम करती हैं, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी स्लो और हाई स्पीड में भी मुझे इस एस्टन मार्टिन DB12 में देखने को नहीं मिली है। अब इसमें जो है अडैप्टिव डैम्पनिंग का फीचर दिया गया, यानी कि आप मोड वगैरह चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से सस्पेंशन सेटअप की जो ट्यूनिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अगर आपको तेज सरार चलानी है, गाड़ी थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहाँ पे वो थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। सिटी के हिसाब से चलानी है, थोड़ा कंफर्ट वाला फैक्टर चाहिए, तो वहाँ पर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो वो भी सेटिंग ऑटोमेटिकली इस अडैप्टिव डैम्पनिंग के फीचर के थ्रू आपको इस एस्टन मार्टिन मिलने वाली है, एंड वहाँ पर भी गाड़ी परफेक्टली काम करते हुए दिखाई देती है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप भी मुझे इस DB12 में देखने को नहीं मिली है। तो अब बात करते हैं इस तकरीबन 4,60,00,000 की एस्टन मार्टिन DB12 के धांसू एंड नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की। यस, इसमें भी कुछ खामियां मुझे देखने को मिली हैं, तो बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इसमें। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया उनके बारे में, एक तो है जो AC के वेंट्स हैं, ड्राइवर पोजिशन में बैठा था वहाँ पर वेंट्स की पोजिशनिंग जो है मुझे लगता है थोड़ी बेटर हो सकती, ताकि हवा डायरेक्टली फेस की तरफ आ पाए। देन दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसकी वेंटेड सीट्स के जो टच बटन्स दिए गए हैं, स्क्रीन को ऑपरेट करते वक्त कभी कभार उन पे हाथ लगता है, तो मुझे लगता है उनकी पोजिशनिंग भी थोड़ी बेटर हो सकती थी। देन तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट मुझे लगा है वो है टर्बो लैग को लेकर। परफॉर्मेंस वाइज, नंबर्स वाइज गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा टर्बो लैग जरूर इस गाड़ी में देखने को मिलता है। तकरीबन 4,000 RPM के आसपास का टर्बो क्लीन करता है, तो थोड़ा सा वो टर्बो लैग इस प्राइस पॉइंट की गाड़ी में उस समय 4,000 RPM से पहले थोड़ा बहुत आपको जरूर महसूस होने वाला है। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस एस्टन मार्टिन DB12 को लेकर। अब डिज़ाइन को लेकर जिस तरह का काम एस्टन मार्टिन ने इस गाड़ी पर किया है, वाकई में ये गाड़ी एक स्पेशल, या कहें कि सड़क पर अगर आप इसको चलाएंगे तो लोग मुड़कर बार बार जरूर देखने वाले हैं इस गाड़ी को, और शायद कौन चला रहा है उसको भी। इसके बाद दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इस गाड़ी के बारे में, इसका फ्रंट फेस और जो रियर जिस तरह का प्रोफाइल है, जो शोल्डर्स जिस तरह के दिए गए हैं, तो वो इस गाड़ी को एक मस्कुलर प्लस वो स्पोर्टी फील जरूर देते हैं, तो ये चीज़ें मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी हैं। तीसरा और फाइनल एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा है वो है ओवरऑल इंटीरियर में जो फीचर्स ऐड करे गए हैं, नई स्क्रीन्स दी गई हैं, सेंटर कंसोल जो है वहाँ पे भी चेंजेस करे गए हैं, तो वो भी एलिमेंट्स जो है इस गाड़ी को एक स्पोर्टी टच जरूर देते हैं, एंड प्रीमियमनेस की कमी इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर भी इस एस्टन मार्टिन DB12 में देखने को नहीं मिलती है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो DB12 की पावर के नंबर्स इंप्रेसिव हैं, परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है, थोड़ा सा अगर इनिशियल टर्बो लैग अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, गाड़ी तेज तर्रार है, गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन जो है स्पोर्टी है, शार्प है, एंड वो मस्कुलर फील भी गाड़ी के रियर शोल्डर में देखने को मिलती है, तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इस DB12 में ज़रूर दिया गया है। इसके अलावा जो है गाड़ी का इंटीरियर जो है प्रीमियम फील होता है, जो चेंजेस करे गए हैं उसके हिसाब से प्रीमियमनेस भी गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलती है, कैबिन में फील होती है, सीट्स का जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा है, कुछ एक आध एलिमेंट्स हैं ड्राइवर साइड के AC वेंट्स और जो टच बटन्स दिए गए हैं सीट वेंटिलेशन के लिए उनकी पोजिशनिंग को लेकर, बट अदरवाइज एज अ ओवरऑल पैकेज की बात करें, जिस प्राइस पॉइंट पर यह गाड़ी आती है और जो परफॉर्मेंस ये गाड़ी प्रॉमिस करती है, और लग्जरी प्लस डिज़ाइन कॉम्बिनेशन जो इस एस्टन मार्टिन DB12 में दिया गया है, तो मुझे लगता है अगर आप उस हिसाब से कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सुपर कार या फिर सुपर टूरर तलाश रहे हैं तो एस्टन मार्टिन की ये DB12 एक अच्छा पैकेज इन टर्म्स ऑफ दैट सुपर टूरर आपके लिए जरूर बन सकती है।